एम काजल, एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना शाकिब रजा मुस्तफ़ा जी का बयान है, तो चलिए निगाह है मुस्तफ़ा, वीडियो देख लेते हैं। इनका भी वीडियो बहुत खूबसूरत होता है, मतलब इनका इनकी जो आवाज़ है वो ही बहुत यूनिक है, यूनिक है क्योंकि सबसे अलग साउंड होती है और मेलोडियस सुनाई देती है। वजह तो आप सबको आका करीम ने सफ़ों को सीधा करने की तलकीन करते हुए कहा कि मत समझना कि मैं सिर्फ आगे देख रहा हूँ, मैं आगे भी देख रहा हूँ, मैं पीछे भी देख रहा हूँ, तुम्हारे रकुओं को भी देख रहा हूँ और दिलों में पैदा होने वाले खुशियों को भी देख रहा हूँ। ये हुजूर की नज़र का कमाल है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरा फिल लैल फि ज़ुल्मा कमा यरा फिल नहार फि ज़ौ। हुजूर रात की तारीकी में यूं देखते थे जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे। मैं नहीं देख सकता, ये देखो ये रोशनियां हैं, ये लाइटें लगी हुई हैं और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अगर ये चरागाह ख़त्म हो जाए, ये रोशनियाँ बुझ जाएँ, तो वो दूर चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो दिखाई नहीं देगी। ये किताब मेरी झोली में भी होगी मैं फिर भी नहीं देख सकूंगा, इसलिए कि मेरी आंखें नूर हैं लेकिन ये उतनी देर तक नहीं दे सकती जब तक ये खारिज की रोशनी भी मौजूद ना हो। लेकिन हुजूर सरापा नूर हैं, हुजूर जुल्मत में भी देखते थे, रोशनी में भी देखते थे। चूँकि मेरी आंखें इन रोशनियों की मोहताज हैं, कायनात की सारी रोशनियाँ शम्स व कमर भी मेरे हुजूर के मोहताज हैं, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम शम्स व कमर की रोशनी के मोहताज नहीं थे। हुजूर की मुबारक आंखें जो हैं वो अंधेरे में भी देखती थी और हुजूर की आंखें रोशनी में भी देखती थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, व इन्ना मौअदकुमुल हौस व इन्नी लअन्ज़ुरु इलैहि मिन मकामी हाजा, बुखारी मुस्लिम बाकी कुतुब हदीस में मौजूद है। फरमाया कि तुम्हारा जो हौज़े कौसर पर वादा है जहाँ मैं तुम्हें जाम भर भर के दूंगा, फरमाया मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ खड़े होकर उसको देख रहा हूँ। हुजूर यहाँ खड़े हैं और वहाँ देख रहे हैं। एक दिन हुजूर सलातुल इस्तिस्का पढ़ा रहे थे, जब बारिश ना हो रही हो तो उसकी जो नमाज पढ़ाई जाती है अल्लाह के हुजूर दुआ करने के लिए, तो उसको सलातुल इस्तिस्का कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर ने हाथ आगे किया फिर पीछे खींच लिया, तो अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। तो सहाबा ने जब देखा तो बाद में किसी ने पूछा, हुजूर आज नमाज में आपने हाथ आगे बढ़ाया और पीछे खींच लिया, मुझे बताइए कि हालत नमाज में नज़र कहाँ होनी चाहिए, जाए सजदा पे होनी चाहिए ना। लेकिन सहाबा हुजूर को देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। सहाबा से किसी ने पूछा कि तुम बताओ जोहर और असर की नमाजों में हुजूर किरात करते थे, कहाँ करते थे, बुखारी में, तुम्हें कैसे पता है करते थे, कहा नहनो नअलमु बिइस्तिगाब लिहयते, हम हुजूर की मुबारक दाढ़ी की जुम्बश से अंदाज़ा करते थे कि किरात हो रही है। मालूम हुआ नमाज भी चलती रहती थी, रुख़े महबूब की दीद भी होती रहती थी। और इकबाल कहता है, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रकू भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया और फिर खींच लिया। पूछा गया, हुजूर ये आज नमाज में एक नई चीज़ हमने देखी, आपने हाथ आगे बढ़ाया फिर खींच लिया, फरमाया हाँ जन्नत में खजूरों का एक खोशा लटक रहा था, मैं उसको तोड़ने के लिए हाथ डाला था फिर मैंने छोड़ दिया, और अगर मैं तोड़ लेता तुम कयामत तक खाते रहते, ख़त्म ना होता, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो फिर कयामत को ही सही है। अब हुजूर खड़े कहाँ हैं, मदीनतुल मुनव्वरा में, और जन्नत कहाँ है, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर। सरपट घोड़ा दौड़े और तेज़ रफ्तार घोड़ा, ताज़ी घोड़ा 500 साल दौड़ने के बाद पहले आसमान तक, फिर इतनी मोटाई आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, दरमियान में फिर खलाएँ भी, फिर वहाँ से 7 आसमानों के बाद कहीं सिदरतुल मुंतहा। और कुरान बताता है कि जन्नत
भी सिदरतुल मुंतहा के पास है, फिर आगे जन्नत। और जन्नत के जो दरख्त हैं वो 70,000 साल की ऊंचाई पर है, वहाँ लटकती हुई खजूरों के होशे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ खड़े होके हाथ बढ़ाया और वहाँ हुजूर का हाथ पहुँच गया। ये हाथ के पहुँचने की मुंतहा नहीं है, ज़रूरत यहाँ तक की थी लिहाजा यहाँ तक पहुँचा। अगर ज़रूरत इससे आगे की होती तो आगे भी पहुँच जाता। तो हुजूर का हाथ यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ये हदीस पाक में ना, मैं और आप हाथ उठाएं तो हमारा हाथ कहाँ तक पहुँचता है? 5 फुट कद है तो 3 फुट ऊपर हाथ पहुँच जाएगा, तो हमारा हाथ 8 फुट तक पहुँचेगा, ज़मीन से 8 फुट तक। चलो किसी का 9 फुट तक पहुँचेगा, कुछ छलांग लगा के उछल के ऊपर ले जाएगा तो 10 फुट तक पहुँच जाएगा। अलबत्ता हमारी नज़र बहुत तेज़ है, हमारी नज़र पहले आसमान के टमटमाते हुए सितारे देखती, दूसरे आसमान के सितारे भी दिखाई देती, तीसरे आसमान के सितारे, चांद सूरज में दिखाई देता। हमारा हाथ 3 फुट तक या 10 फुट तक पहुँचता है, नज़र तीसरे आसमान तक पहुँचती है। और जिसका हाथ जन्नत तक पहुँचता है उसकी निगाह कहाँ तक पहुँचती होगी, उसकी नज़र का कमाल क्या होगा? इसलिए फरमा इन्नी अरा माला तरौना व अस्मऊ माला तस्मऊन, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते हो, जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। अपने हवास को नबी के हवास पर क्यास करना या नबी के हवास को अपने हवास पे क्यास करना सवाए जहालत के और कुछ नहीं है। चे नस्बत खाक रब आलम पाक, कहाँ हम कहाँ उनकी ज़ाते बाबरकत। इसलिए फरमाया इन्नी अरा माला तरौना व अस्मऊ माला, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। अल्लाहु अकबर, हमारी आँखें तो चमकते हुए सूरज को दोपहर के वक्त ना देख पाएँ, चुंधिया जाएँ, आँखों में पानी उतरने लगे, और महबूब की आंखें बेहिजाब दीदारे रब करें। और कुरान कहे मा जागल बसरो वमा, आंख चुंधियाई भी नहीं और हद अदब से तजावुज भी नहीं किया। यार इन्होंने अच्छा कितने अच्छे से बताया यार, उन्होंने नबी को नबी भी कहा, हुजूर भी कहा, मोहब्बत भी कहा और महबूब भी कहा। यार कितने सारे नाम लिए, बहुत अच्छे लगे, हर एक नाम बहुत ही अच्छा लगा। इन सब जो नाम लेते हैं उसे जब वो हुजूर बोलते हैं ना तो उनसे उनके मुंह से सुनना बहुत ही अलग लगता है। हाँ, और महबूब अच्छा, अरे यार बहुत अच्छा अच्छा, मतलब इनसे जो भी इन्होंने कहा ना वो सुनने में इतना मतलब इंटरेस्ट आया कि हर बात मुझे अभी दोहरा सकता हूँ मैं, उनकी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कहा। और जब वो नमाज के वक्त हाथ आगे ले रहे थे तो मेरे ख्याल से वो इतने खूबसूरत है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक वीडियो किया है मौलाना तारिक जमील साहब का, कि कितने खूबसूरत है नबी, तो उससे ही पता चलता है कि अगर वो नमाज में होंगे तो सभी लोग उनको ही देखते रहते होंगे, क्योंकि उनकी खूबसूरती कहीं से भी देखे आँखें भरती ही नहीं थी उनकी खूबसूरती देखने के बाद भी। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने हाथ आगे किया तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने हाथ आगे क्यों किया नबी, नबी कहा उन्होंने नबी को हुजूर से कहा कि आपने हाथ आगे क्यों किया, तो उन्होंने कहा जन्नत में जो नहीं, उन्होंने पहले कहा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो तुम भी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ क्यों था। हाँ, तो उससे पता चलता है कि सभी लोग उनकी तरफ ही देखते होंगे। और तो उन्होंने कहा कि मैं जन्नत के दरख्त के खजूर तोड़ रहा था, फिर सोचा कि नहीं कयामत को ही तोड़ लेते, अगर तोड़ लेता तो कयामत तक तुम उसे खत्म नहीं कर पाते, कि उनका हाथ जन्नत के पेड़ों तक पहुंचा। तो उन्होंने बताया जन्नत की दूरी यहाँ से कितनी है, तो एक आसमान तक जाने के लिए 500 साल लगते हैं, एक बहुत ताज़ा घोड़ा जो सरपट डोड़े मतलब एकदम फास्ट, और उससे दूसरा आसमान उतनी ही दूरी पर, ऐसे 7 आसमान, उससे आगे कयामतुल कुछ तो कहा। और जन्नत के पेड़
इतने ऊंचे हैं कि वहाँ उसके ऊपर चढ़ने में 700 साल लगते हैं और उसके ऊपर खजूर, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी दूर हाथ पहुंचा तो नज़र कहाँ तक जाती होगी। तो इससे नहीं, ज़्यादा उन्होंने कहा ना कि जो मैं देख सकता है वो आप नहीं देख सकते। हाँ, तो लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छा था, ऐसा लगता है रोज़ रोज़ ऐसे बयान सुनो, और और इनका यही बयान बयान रोज़ सुनना, सुनेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या बोलते हैं उसे आलस आएगा। ऐसे बयान अगर रोज़ सुनो, ऐसे नहीं, यही बयान अगर रोज़ रिपीट करूँगा तो भी तो मुझे भी कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये हमने सुना हुआ है तो नहीं सुनते, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। और मुझे तो लग रहा था कि ये वीडियो कंटिन्यू करे। पर इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो होता नहीं है, क्योंकि सजेस्ट जो करते हैं वो इतना छोटा छोटा वीडियो सजेस्ट सजेस्ट करते करते हैं हैं, इसलिए हम अपने मन से खुद ही कर लेते हैं जो बड़ा होता है इस वीडियो। और बहुत अच्छा वीडियो था, और उनके हाथ मतलब इतने अल्लाह तक तो पहुंचते थे, तो अल्लाह नहीं, मतलब अल्लाह नहीं कहा उन्होंने, जन्नत के जन्नत खजूर, खजूर तो वहाँ तो अल्लाह ही हो गए ना। अल्लाह तो जन्नत से भी ऊपर है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था, अगले वीडियो में मिलेंगे।